गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन द चैलेंज एक्सेप्टेड डे टू। तो सबसे पहले तो मैं उन सभी बच्चों का हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं जिन लोगों ने यह डिसीजन लिया कि मैं विज्ञान अच्छे से सीखूंगा और इस चैनल को एक्सेप्ट किया। तो सबसे अच्छी बात यह है कि आज हमारे चैनल का सिर्फ और सिर्फ दूसरा दिन ही है। समझ रहे हो आप? जो लोग नए हैं, जिनको इस चैलेंज के बारे में नहीं मालूम है, तो आई बटन पे लिंक है, वो जाके पिछला वीडियो देख लें ताकि वो जान लें, उसके बाद वो लोग आके देख सकते हैं। तो आइए अब शुरू करते हैं आज हम लोग अपना आज का टॉपिक। अभी मजा आएगा ना वीडियो, ठीक है? तो आज क्या है हम लोग का टॉपिक बच्चों? पहला जो हमारा आज का वर्ड है, ये वर्ड है हमारा कैरेट ग्रास। क्या है बच्चों? कैरेट ग्रास, ठीक है? तो अब कैरेट ग्रास क्या होता है वो हम लोग देख लें। कैरेट ग्रास को हम लोग हिंदी में बोलते हैं गाजर घास। अब इसको गाजर घास क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका जो पत्ता है ना, लीफ है ना, ये गाजर के लीफ जैसा दिखता है, ठीक है? और ये हम लोग के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर पॉइंट ऑफ व्यू से। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये खरपतवार की तरह काम करता है और जो हमारे एग्रीकल्चर क्रॉप्स है उनको ये क्या करता है, उनके साथ कंपटीशन करता है। अब देखते हैं हमारा आज का दूसरा वर्ड, ठीक है? हमारा दूसरा वर्ड है वीड। वीड का मतलब क्या होता है? खरपतवार। अब खरपतवार क्या होता है? वैसा कोई भी पौधा जो हमारे क्रॉप के साथ, फसल के साथ कंपीट करे उसको खरपतवार कहेंगे, ठीक है बच्चे? इसको डिफाइन कैसे करेंगे? एनी प्लांट विच इज ग्रोन आउट ऑफ इट्स प्लेस इज नोन एज वीड। अब आप लोग पूछिएगा कि सर मान लीजिए हमारा गेहूं का खेत है, उसमें अगर आम का पौधा आके उग गया खुद से, तो क्या आम का पौधा खरपतवार होगा? निश्चित रूप से बच्चों, वहां पे आम का पौधा खरपतवार ही होगा। खरपतवार का मतलब हम लोग को सिर्फ घास फूस नहीं समझना है, वैसा कोई भी पौधा जो हमारे सीरियल क्रॉप्स या हॉर्टिकल्चर क्रॉप के साथ कंपीट करे रिसोर्सेज के लिए, उसको हम लोग खरपतवार बोलेंगे, ठीक है बच्चों? आइए अब हम देखते हैं हमारा आज का तीसरा वर्ड। हमारा तीसरा वर्ड है साइंस, जिसका मतलब होता है विज्ञान। अब आप लोग बोलिएगा ये क्या सर, ये तो हम लोग को मालूम ही है ना, गजब बेइज्जती है। तो इसमें आप लोगों को क्या जानना है कि जो साइंस है ना, इस वर्ड का जो ओरिजिन हुआ है बच्चों, ये ओरिजिन हुआ है लैटिन के साइंटिया से। इससे लैटिन के साइंटिया वर्ड से, तो ये यहाँ आप लोगों ने सीख लिया, ठीक है? आइए अब हम लोग आज फोर्थ वर्ड देख लेते हैं। फोर्थ वर्ड है हमारा कैलीग्राफी। अब ये कैलीग्राफी क्या होता है? देखिए कैलोस, कैलोस का मतलब ही होता है ब्यूटी, और कैलीग्राफी का मतलब होता है ना आर्ट ऑफ ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, सुंदर लेखन की कला। आप लोगों ने तो स्टीव जॉब्स का नाम सुना ही होगा ना। स्टीव जॉब्स वो पहले पर्सन थे जिन्होंने कंप्यूटर में कैलीग्राफी को डाला था। यही कारण है कि आज हम लोग कंप्यूटर में डिफरेंट टाइप ऑफ टेक्स्ट देख पाते हैं, अदरवाइज हम लोग टेक्स्ट नहीं देख पाते। तो ये अच्छा वर्ड है कैलीग्राफी। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं, मैंगो। मैंगो मीन्स आम। रुको जरा, सबर करो। ये क्या, ये तो सबको ही जानता होगा, ठीक है बच्चों? लेकिन इसमें नया क्या है? इसमें नया ये है बच्चों कि मैंगो, मैंगो को हम लोग क्या बोलते हैं? आम। लेकिन अगर हम लोग महाराष्ट्र में जाए तो वहां पे अंबा बोला जाता है, हम लोग साउथ में जाए तो वहां पे कुछ और बोला जाता है। मतलब डिफरेंट डिफरेंट लोकल लैंग्वेज है मैंगो का। तो सोचिए अगर साइंटिस्ट इस पे रिसर्च करना चाहे और वर्ल्ड के किसी पर्टिकुलर पॉइंट में डिफरेंट कंट्री के साइंटिस्ट पहुंचे तो वो क्या बोलेंगे इसको? तो उसके लिए इसको एक स्पेशल नाम दिया गया। हर एक जितना भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ना, उसको एक स्पेशल नाम दिया गया है। अगर वो जूलॉजी का है तो उसको जूलॉजिकल नेम बोलते हैं, अगर बोटनी का है तो उसको बोटेनिकल नेम बोलते हैं। इस तरह हम लोग उसको साइंटिफिक नेम बोल सकते हैं, ठीक है बच्चों? तो साइंस का क्या, ये मैंगो का साइंटिफिक नेम क्या है? मैंगिफेरा इंडिका। क्या है बच्चों? MANGIFERA, मैंगिफेरा इंडिका, ठीक है? INDICA। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी हम लोग साइंटिफिक नेम लिखेंगे ना, उसको हमेशा अंडरलाइन करेंगे, और जो सेकेंड वाला नेम है जो कि यूजुअली स्पीसीज का नेम है, इसको हमेशा हम लोग कैपिटल स्मॉल से लिखेंगे और लास्ट में एल साइटेशन दे देंगे। ये एल फॉर लीनियस जिन्होंने दिया था, ये बोटेनिकल नेम, ये जो बायोलॉजिकल नेम है, बाइनोमियल नेम है। कैसा नेम है बच्चों? बाइनोमियल। बाई का मतलब क्या होता है बच्चों? बाई मीन्स टू। ये कैसा है, ये नाम दो अक्षर से, दो वर्ड से मिलकर बना है ना, मैंगिफेरा और इंडिया, इंडिका। इसलिए ऐसे नेमिंग को हम लोग क्या बोलते हैं? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर। और ये दिया गया था किनके द्वारा? कार्लोस लीनियस के द्वारा। इसलिए उनके लास्ट में हम कोई भी नेम लिखेंगे ना, तो लास्ट में उन अदर नेम मेंशन कर देते हैं, दैट इज नोन एज अदर साइटेशन। और लीनियस के लिए यहाँ पे एल लिख दिया गया, ठीक है बच्चों? थैंक यू वेरी मच।